ये वो आर्टिकल वायर वेबसाइट पर प्रिंट हुआ था और उसको लिखा था सैफुद्दीन सोर साहब, जिसमें सैफुद्दीन सोर साहब ने ये लिखा कि कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको देखने की ज़रूरत है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मोदी के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, एक हिस्टोरिकल उनको मौका मिला है कि वो कश्मीर के मसले को पर उसको पूरा तय कर सके। मेरा ही मानना ये है कि 90 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, वहाँ पर सिविल अनरेस्ट चल रहा है, 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और वहाँ पर अमन कायम नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है दिल्ली के ऊपर और जम्मू कश्मीर सरकार, इसमें बीजेपी भी शामिल है, कि वो इसको वहाँ पर सिविल अनरेस्ट को ख़त्म करे, अमन को कायम करे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बंद करे। ये जो वहाँ पर कंप्लीट हर चीज़ बंद है, स्कूल नहीं चल रहा है, कॉलेज नहीं, अमन को कायम करे, इकॉनमी को रिवाइव करे, गुरबत का खात्मा करे, डॉलर 70 रुपये हो चुका है, 5 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी हुआ है, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में 5.5 लाख करोड़ का फिगर दिया गया और सिर्फ 5,500 करोड़ आए। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस गवर्नमेंट के बाद, मगर ये गवर्नमेंट बजाय इन चीज़ों पर फोकस करे जिससे देश के पूरे हर फर्द को आदमी को और फ़ायदा होगा, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है और ये ठीक नहीं है। सर, अयूब खान साहब ने अभी कुछ देर पहले यूपी में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला कि अयूब खान जो पीपल्स उत्तर प्रदेश, अयूब खान नहीं है सर, डोंट यू नो अयूब खान, क्या क्या वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम संगठनों के साथ हमारे संपर्क में है और एक गठबंधन बन के, गठजोड़ बन के यूपी में हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, इस पर जल्दी तबसरा करें। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं रुकन हूँ और पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। कहना है कि क्वेश्चनेयर जो है लोडेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में। हमारी पार्टी का मानना यह है कि हिंदुस्तान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क की ताकत उसके डाइवर्सिटी, उसका प्लुरिज्म है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क की डाइवर्सिटी और प्लुरिज्म ख़त्म कर देगा। मिसाल के तौर पर मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुज़म में, उसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसा तय करेंगे आप? ट्राइबल्स मेरा स्टैंड है, मैं इतना ही कहूँगा इसके।